नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज है मंडे 15 मई 2023 और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं रोड साइड हूँ, रात को काफ़ी लेट सोया था 2:30-3 बजे, इसलिए लेट में उठा हूँ। यहाँ रोड में जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना बिल्डिंग, उसके छत के ऊपर सोए थे और अभी ये खुली है। इधर देखिए कितने सारे झिंगुर जो हैं आवाज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का सीन है और अभी हम जा रहे हैं अपने बड़े पापा के बगीचे में, वहाँ जाकर बोर स्टार्ट करेंगे। शायद बोर बंद तो वो स्टार्ट करने के बाद फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद घर घर में चाय नाश्ता करेंगे और वापस जो कल धान उठाने वाला काम कर रहे थे उसी को ही कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सही है। बड़े पापा के बगीचे आ चुके हैं, बोर ऑन हो चुका है, पानी जा रहा है इधर उड़द मूंग के खेतों में। आजा आ रहा, काला सोना सफेद सोना सफेद सोना नहीं है का? वो किसरा ही दो किस्म के हैं, ये खाली लाल सोना है, ये है दे हरे का। और दर्शकों ये देखिए सफेद सोना धान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोरी ले आए हैं। सही है, धान मंडी से आए हैं, इसे 840 रुपये का एक बोरी 30 किलो का है, यानी 1 किलो 34 रुपये पड़ेगा। दर्शकों अभी दोपहर के 3 हो रहे हैं और देखिए यहाँ पे खरही इकट्ठा कर दिया गया है। उधर नीचे वाला जो खेत बचा हुआ था ना, उसे सारे के सारे धान को बंडल में बांधे और यहाँ पे ले आए हैं, है ना। सुबह टाइम हम तो धान के बीज को लाने में लगे हुए थे, 7 बोरी धान लाए मेरे मामा के लिए है। और मेरे मामा गाँव बगल में ही है, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है और वो लोग लेने आएँगे कल के डेट पर। तो 7 बोरी मैं धान का बीज ले लिया हूँ धान मंडी से, 1 बोरी 840 रुपये का पड़ा, यानी टोटल 5,880 रुपये पड़ गए हैं अपने को। तो इस तरीके से हमने धान खरीदने वाला काम करा सुबह टाइम। तो हमारी अनुपस्थिति में यहाँ पे 2-3 लेबर लोग आए, है ना, मेरी माता जी उनको लेकर आई और यहाँ पे देखिए किस तरीके से काम हो गया है, है ना। इसे हम लोग कम्प्लीट करने वाले थे लेकिन मेरी अनुपस्थिति में इसे कम्प्लीट करा गया है। ठीक है, तो सही है दर्शकों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हो गया ना, अपने को काम से मतलब था। इधर पानी सिंचाई हो रहा है उड़द मूंग के खेतों में ही, कल रात भर सिंचाई हो रहा था लेकिन सुबह टाइम 4 बजे के आसपास लाइट ऑफ हुआ और सुबह 7-7:30 बजे आकर मैंने बोर स्टार्ट करा। फिर 1 घंटा चलने के बाद 9 बजे फिर ऑफ हो गया, फिर 12 बजे फिर से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से इधर उड़द मूंग के खेतों में भी पानी सिंचाई वाला काम लगातार चल ही रहा है और फिर भी पानी सिंचाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इधर देखिए तो इस तरीके का सीन है। इधर तो हो चुका, ये भी भर गया है और ये भी देखिए किनारे किनारे किस तरीके से पानी आगे पीछे होते जा रहा है। सही है, तो जितना पानी जाता रहे उतना अच्छा है। कम से कम ये जितने भी मूंग उड़द बरबटी लगे हैं सब अच्छे से ग्रो होंगे। और अभी दर्शक उधर जो लास्ट में देख रहे हैं ना हरा हरा धान, उनमें पानी सिंचाई कर देना है क्योंकि बड़े पापा बोले हैं पानी सिंचाई इधर कर देना और फिर थोड़े दिनों बाद ही इनकी भी कटाई कर दी जाएगी, इन्हें उठाकर वहाँ खरी के रूप में इकट्ठा कर देंगे, है ना। तो इस तरीके का सीन है अपने बगीचे में, धान वाला पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर बस सिंचाई वाला काम ही रह जाएगा। ठीक है, तो और 15 से 20 दिन दर्शकों फिर जून का महीना स्टार्ट हो जाएगा। जून का महीना स्टार्ट होते ही बारिश वारिश का सीन भी चालू हो जाएगा। बारिश का सीन चालू हुआ फिर इनमें हल चलाई स्टार्ट हो जाएगा, फिर इनमें चिखला किया जाएगा, जो कुछ चलता है ना बरसात के दिनों में वही सब होगा और इनमें पूरा धान लगाया जाएगा, है ना। सही है,
चलो तो अभी यहाँ पाइप फिट करते हैं, पाइप लेके जाएंगे पानी को उधर, इधर सिंचाई करेंगे, इधर सिंचाई करेंगे, ठीक है। तो दर्शकों इधर देखिए पाइप बिछा हुआ है, पाइप को मोड़ के ले जाएंगे उधर ऊपर वाले खेतों में और धान में पानी सिंचाई करेंगे। तो यहाँ से अपने को पाइप को खींच के ले जाना है, ठीक है। चलो तो दर्शकों इधर आप देख सकते हैं पाइप को हमने यहाँ इधर से इस तरीके से मोड़ लिया है और इधर खेत में डाल दिए हैं। अब इन धान में पानी सिंचाई होगा। बोर तो चालू कर दिए हैं, पानी पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है, लाइट ऑफ हो गया क्या। तो दर्शकों अभी 3:14 हो रहे हैं और पानी देखिए इधर पाइप से आ रहा है, यह पानी सिंचाई हो रहा है, ठीक है। चलो इधर से तो भाग रहा था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से हम तोड़ दिए, वहाँ पे सॉकेट लगा के एक बार जोड़े थे तो वहीं जोड़ पे ही निकाल दिए हैं। दर्शकों अभी शाम के 4:30 रहे हैं, 1.5 घंटे में हमने इस साइड का जो धान है इनमें पानी सिंचाई कर दिया है। अभी पाइप को इस साइड पलटते हैं और इनमें भी अभी 1.5 घंटा पानी सिंचाई करेंगे तो इधर में भी पानी सिंचाई कंप्लीट हो जाएगा। इधर अच्छे से पानी सिंचाई हो गया है, देखिए पूरा इधर कच्चा मिट्टी हो चुका है ना, पूरी तरीके से गीली मिट्टी हो चुकी है। अब यहाँ पर नमी बनी रहेगी 2-3 दिन तक, दो तीन दिन बाद इन्हें कटाई कर लेंगे। चलो अभी पाइप को इधर से ऐसे घुमाते हैं, इधर अभी पाइप को इधर पलट दिया गया है और इधर जो धान बचे हुए हैं इनमें पानी सिंचाई कर दी जा रही है, ठीक है। चलिए अभी 15-20-25 मिनट वेट करते हैं। दर्शकों 5:40 हाँ इधर वाले धान में भी पानी सिंचाई हो चुका है ना। अब पाइप को पलट कर इधर नीचे साइड लेके गए हैं, अब यहाँ से दूसरा जो टुकड़ा पाइप है उसे जोड़ेंगे और उधर भिंडी तरफ पानी सिंचाई करना है। लेकिन लाइट ऑफ हो गया है, लाइट आया नहीं है, लाइट आएगा तभी पानी सिंचाई होगा। और अपने को मार्केट भी जाना है बगल वाले गाँव में, ठीक है। तो इस तरीके का सीन है और अपना हालात डाउन हो चुका है दर्शकों, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, भले ही हम छांव में रहते हैं लेकिन गर्म हवाएं तो चलती हैं ना। हालात डाउन है क्योंकि मई का महीना चल रहा है ना। चलो अभी लाइट आने का वेट करते हैं, फिर देखते हैं पानी सिंचाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चलो दर्शकों अभी शाम के 5:51 हो गए हैं, 10 मिनट वेट कर लिया हूँ मैं लाइट का, लेकिन लाइट आया नहीं है। और इधर पाइप वगैरह को भी जोड़ लिए हैं, है ना, वहाँ पर निकला हुआ था वहीं से हम जोड़ लिए हैं। और इधर भिंडी वगैरह में पानी सिंचाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट जाना है, सब्ज़ी वगैरह लाना है, बहुत सारा सामान है। तो इस तरीके का सीन है दर्शकों, फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मेल बांट कर खाएँ, सुख बांटे, सुख बटाएँ, जीवन की सारी चिंता घटाएँ। सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय।